आज का दिन 20 मार्च का एक नए इतिहास को लिखने के लिए शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने, दोनों पक्षों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया है, जिस समझौते के अंतर्गत लेप विधि की जाएगी और मूर्ति का मूल स्वरूप बदला नहीं जाएगा, इस पर हम सब लोग सहमत हो गए हैं और जिसके कारण से हम लोगों के बीच में एक अच्छी बात बन चुकी है और ये बात हमारे लिए आगे जाकर के भी बहुत अच्छी होगी और समाज में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और जिस वातावरण का सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। दोनों पंथ शांत रहेंगे और शांत रहते आए हैं, लेकिन क्या है कि भ्रम जो होते हैं, भ्रम हमेशा टकरा देते हैं, तो भ्रम का अंधेरा छटेगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे। हम एक दूसरे को उकसावा ना करें तो शांत रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेपन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? लेपन की प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू होगी। क्यों महाराज? 23 तारीख से। आज दोनों पंथ के दो संत एवं ट्रस्टी गणमान्य आदि की मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का लेप करना, परमात्मा का आज का जो स्वरूप है वो स्वरूप के हिसाब से ही नया लेप होगा और वो लेप गुदी पाड़वे के दूसरे दिन यानी 23 मार्च के दिन लेप का कार्य शुरू होगा। कितनी दिन? खास करके इस चीज को लेकर, मतलब लेप की चीज को लेकर, श्वेतांबरी करना चाहते हैं, दिगंबरी रोकना चाहते हैं, ऐसी जो कोई भी गलत फहमी बाहर फैल रही है और उस वजह से जो कुछ भी अशांति वगैरह हो रही है, दोनों पक्ष का यही आह्वान है कि कोई भी ये गलत फहमी से लेकर या तो ऐसी मान्यता को लेकर कोई भी प्रकार के झगड़े न करे। झगड़े से बात सुलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली बात तो बैठक से ही होने वाली है, इतने झगड़े से भी नहीं सुलझी किंतु आज बैठक से जैसे सुलझ गई, ऐसी कोई भी चीज रहेगी तो वरिष्ठ लोग जो भी है वो इसका निकाल करने के लिए समर्थ रहेंगे, ये बाकी का कोई भी अधिकार सामान्य प्रजाजन उपयोग न करे। लेपन के बाद जो मूर्ति का स्वरूप बदला जाएगा, जो ऐसा आरोप हो रहा था, तो उसके ऊपर क्या? उसके लिए आज डिसीजन ये लिया गया है कि जैसे आज लेप से युक्त मूर्ति का जो स्वरूप है वो स्वरूप का पूरा मेजरमेंट और फोटोग्राफी वगैरह हो जाएगी और वैसा ही स्वरूप वापस नए लेप में भी दिया जाएगा।